हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रासितु रेसिपीज़। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी। अगर आपको भी सूजी की इडली बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इडली अच्छे तरीके से फुलती और स्पंजी नहीं बनती है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं जो हमारी इडली है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार हुई है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और सूजी की इडली बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप सूजी। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप दही। तो दही लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो दही हमारा हो वो बिल्कुल फ्रेश हो। अगर दही ज़्यादा खट्टी होगी तो जो हमारी इडली है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे। तो सूजी फ्रेंड्स आप कोई भी सा भी ले सकते हैं, मोटी वाली पतली वाली जो आपके पास हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने डाल दिया है 1/2 कप पानी। तो इसे हम अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक के रख देंगे फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम इडली का जो प्लेट है उसमें ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और एक ब्रश की सहायता से इसे हम ग्रीस कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपने सारे प्लेट में लगा लेंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो गया है और जो सूजी है वो हमारी अच्छे तरीके से फूल गई है। ये पानी को बिल्कुल अब्जर्व कर लिए और गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम पानी और मिलाएंगे और इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 1 कप सूजी लिया था और 1 कप पानी और 1/4 कप इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। तो इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी मिक्स कर देंगे। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स 1 टीस्पून इनू। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और हल्के हाथों से इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद उसे हमें तुरंत फटाफट प्लेट में डाल करके इसे हमें रख देना है इडली स्टैंड में। तो इनू मिलाने के बाद आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा देर इसे बाहर नहीं रखना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे आप स्टीम करने के लिए रख दें। तो देखिए इधर हमने रख दिया इडली स्टैंड और इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है और इडली का जो हमारा प्लेट है उसमें हम रख के और इसे हम ढक देंगे फ्रेंड्स। और 10 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो आप इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करें, इससे जो हमारी भाप है वो अच्छे तरीके से बनती है तो हमारी इडली स्पंजी बनती है। और 10 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं जो हमारी इडली है कितनी फूली फूली बन करके तैयार हो गई है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।